नंबर 4 है बच्चों, एक नगर में टैक्सी के एक भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, दो चीज़ें हैं। कौन सी? एक है बच्चों नियत भाड़ा और दूसरा है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम दोनों को मान लेते हैं। नंबर है हमारा 4, तो हम पहले ले लेते हैं माना नियत भाड़ा रुपए कितना x, और दूसरा भाड़ा है क्या? प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपए y। देखो नियत भाड़ा हो गया कि यानी उसका एक निश्चित है कि 5 किलोमीटर जाने के उसने इतने ही रुपए लेने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लेगा। अगर हम उससे ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं तो जितने किलोमीटर जाएंगे उतने रुपए वो क्या करता जाएगा, नियत भाड़े में जोड़ता जाएगा। तो पहले है देखो कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना दे रहा है, यानी नियत भाड़ा देगा ही देगा, प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 के लिए हो जाएगा हमारा बच्चों कितना, 10y बराबर कितने रुपये दे रहा है टोटल, ₹105। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा है 15 किलोमीटर जा रहा है, नियत भाड़ा यहाँ भी देगा, अतिरिक्त जा रहा है कितना, 15 किलोमीटर, तो ये 15y हो गया, और तब दे रहा है कितने टोटल, ₹155। ये होगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। फिर से हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से यहाँ से देखते हैं, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 10y बराबर 105, यहाँ से आ जाएगा बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब समीकरण 3 का मान रख देते हैं हम, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से हमने समीकरण तीसरा बनाया, तो समीकरण का मान 2 में रखने पर। समीकरण 2 है बच्चों हमारे पास x प्लस 15y बराबर 155, किसका मान निकाला हमने, x का, x का मान निकाला हमने 105 माइनस 10y प्लस का 15y बराबर 155, माइनस का 10 है प्लस का 15, यहाँ आ जाएगा बच्चों 5y, और देखो प्लस का 105 है, राइट में ले जाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 105, 155 में से 105 जाएगा, कितना रह जाएगा बच्चों शेष हमारे पास, 5 में से 5 जाएगा 0, और ये आ गया 50, और इधर हमारे पास 5y, तो y का मान निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 50 बट्टे 5 करेंगे तो आ जाएगा 10, y का मान आ गया 10। अब x का मान निकालते हैं, y का मान रख देते हैं हम किस में, समीकरण y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 105 माइनस 10y, मान किसका निकला y का, तो हम y का मान रख देते हैं 105 माइनस 10 गुणा कितना आया 10, तो टोटल हो गया ये कितना 100, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, ₹5। ठीक हो गया, x का हो गया 5 और y का हो गया 10। अब लास्ट में फिर हमें देखो x और y तो पूछा ही है, इसके अलावा पूछा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो बच्चों देखते हैं 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, नियत तो देगा ही देगा, इसके अलावा कितने किलोमीटर जा रहा है, 25 किलोमीटर, यानी 25y, अब यहाँ मान रख देते हैं x और y का, x का मान बच्चों कितना आया 5 प्लस 25 गुणा y का मान कितना आया 10, इसको सॉल्व करते हैं 5, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 250, तो टोटली कितना आ गया ₹255। ये क्या हो गया हमारा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। ठीक हो गया, इसमें यही पूछा था, नियत भाड़ा पूछा था, अतिरिक्त भाड़ा पूछा था, और 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ये हो गया बच्चों हमारा 4th नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं।